एंड यू हैव डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू जीरो, एंड सपोज फाई इज ओनली रेडियल, दिस रेडियल ऑफ सिलेंडर इज डिफरेंट देन द रेडियल ऑफ स्फेरिकल पोलर, एंड वॉट इज डेल स्क्वायर ऑफ सिलेंडर? एनीबडी रिमेंबर्स? इट इज 1 बाय आर डेल बाय डेल आर, आर डेल बाय डेल आर फाई इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट? दिस इज फॉर सिलेंड्रिकल सिस्टम. सो हाउ टू सॉल्व दिस? डेल बाय डेल आर, आर डेल बाई डेल आर इज इक्वल टू जीरो, एंड इफ यू इंटीग्रेट देन आर डी फाई बाई डी आर इज इक्वल टू सी, करेक्ट? एंड फॉर डी फाई बाई डी आर, ये प्लीज नोट डाउन दिस, डी फाई बाई डी आर इज इक्वल टू सी बाई आर, एंड नाउ इफ यू इंटीग्रेट देन फाई इज इक्वल टू सी एल एन आर प्लस सी डैश. सो दिस इज द काइंड ऑफ पोटेंशियल यू विल बी हैविंग फॉर सिलेंड्रिकल सिस्टम. सो येस्टरडे आई थिंक आई सॉल्व इट फॉर स्फेरिकल, बट इट वॉज अ पाइप, सो इट विल बी अ सिलेंड्रिकल सिस्टम. ओके, वो कैसा था? यस इट वॉज अ पाइप, राइट? तो वहां पे लिख लो स्फेरिकल. अगर सपोज ऐसा सिस्टम होता कि दिस इज अ स्फेयर एंड दिस इज अ स्फेयर, दिस इज एट जीरो पोटेंशियल एंड दिस इज एट वी नॉट पोटेंशियल, दिस इज अ स्फेयर एंड दिस इज हैविंग रेडियस ए एंड दिस इज हैविंग रेडियस बी, राइट? देन यू कुड हैव सॉल्व इट लाइक दैट. लाइक तो जो कल मैंने सॉल्व किया था उस पर लिख लो, अगर स्फेयर होता तो, इफ इट इज सिलेंडर देन इट इज दिस, इफ इट इज सिलेंडर, सो वायर इज अ सिलेंडर, राइट? इफ इट इज अ केबल, केबल क्या है? केबल इज अ सिलेंडर, ये नोट कर लो. इज इट ओके? यस सर, यस नोट कर लिया? ओके, सर, सो रिलेटेड टू बाउंड्री कंडीशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बाउंड्री कंडीशंस इन व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. नाउ लेट अस टेक पोलराइजेशन एंड बाउंड्री कंडीशंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी What are the things in polarization? क्या क्या जानना चाहिए आपको पोलराइजेशन में, बताओ भाई एक एक करके. व्हाट इज सिग्मा? तो अबाउट बाउंड चार्जेस, बाउंड चार्जेस को कैसे समझना है कि पोलराइजेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं मान लूंगा कि पोलराइजेशन की वजह से कुछ चार्ज डेवलप हो गए एंड दोज चार्जेस आर नोन एज बाउंड चार्जेस, करेक्ट? दोज चार्जेस आर नोन एज बाउंड चार्जेस, एंड बाउंड चार्जेस में सरफेस है, सरफेस चार्जेस एंड वॉल्यूम चार्जेस. सरफेस चार्जेस सिग्मा बी, ये कितना होता है?
P dot n cap. If capital P is the polarization, it is P dot n cap. N cap is unit vector perpendicular to the surface. And bound volume bound charge is minus del dot P. This is known as volume bound charge. Correct? ठीक है. एंड when you see the your Maxwell's equation, which is del dot E is equal to rho by epsilon naught, please understand that this charge in general will be the free charge and bound charge. This rho is equal to free charge plus bound charge, and then you will have del epsilon naught del dot E is equal to rho free plus rho bound. Correct? And then you will write rho del dot E is equal to rho free minus del dot P. Take it on this side, it will be epsilon naught E plus P, and you can put del dot, because epsilon naught is a constant. So we can do it like this, it will become rho free, and we write it as del dot E. This is electric displacement vector, which is equal to rho free. Correct? So what is D? It will have two components, epsilon naught E and plus capital P. If capital P is zero, then D will be equal to epsilon naught E. Like we did a question yesterday for calculating of electric displacement vector. What is this? Electric displacement vector. And related to boundary conditions now, you will have E perpendicular A minus E perpendicular B is equal to sigma by epsilon naught. This is boundary condition related to electric field. And what is sigma? Batao. Anyone? Surface charge density. Sigma is sigma free plus sigma bound. And what is E parallel? Parallel component of electric field. This is zero. ये आता है गॉस थ्योरम से. किससे आता है? गॉस थ्योरम. And related to D, so this is first, this is second, and third is D perpendicular A minus D perpendicular B is equal to sigma F. ध्यान से देखना. We can't say about parallel, because you know if del cross E is zero, this is called electrostatics. Yes or no? Yes, sir. This is called electrostatics. But in this case, del cross D is not equal to zero. Correct? So actually, ये बड़ा important चीज़ है कि del cross E तो zero है, but उस time पे del cross E, तो ये वाली कंडीशन आती है किससे? गॉस थ्योरम से. डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट से. और ये कंडीशन आती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू जीरो से. तो इसलिए हम डी के बारे में नहीं कह सकते कि डी पैरेलल कॉन्टिन्यूस होगा. ओके, सो एक्चुअली व्हाट विल हैपन दैट अगर आप ध्यान से देखो तो क्या होगा. इफ आई टेक डेल क्रॉस डी, it is equal to del cross, batao bhai, epsilon naught E plus P. Yes or no?
So this is equal to epsilon naught del cross E plus del cross P. तो ये तो जीरो है इलेक्ट्रोस्टैट में, बट दिस इज नॉट जीरो, सो इट विल बिकम डेल क्रॉस पी. सो यू विल गेट डेल क्रॉस डी इज इक्वल टू डेल क्रॉस पी. समझ आया? यस सर. तो ये पूरी समरी है बाउंड्री कंडीशन की. आई होप कि आपने नोट कर लिया, ये अपनी कॉपी में आपके पास हो तो वहां पे एक बार दोबारा से देख लो इस चीज को. तो आगे चलते हैं. स्फेरिकल स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक शेल विद इनर रेडियस ए एंड आउटर रेडियस बी हैज अ पोलराइजेशन इज गिवन. सो देर इज अ स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक शेल लाइक दिस. दिस पार्ट इज फिल्ड, इनर रेडियस इज ए, आउटर रेडियस इज बी एंड इट हैज पोलराइजेशन. In the region shaded, polarization is given K by R square R cap. Which of the following statements is correct? The surface density of the bound charges on the inner and outer surfaces is this, and the volume density of the bound charges inside the dielectric is zero. So we have to calculate this actually. We know the formula, na? So what is surface density here? यहां का n cap r cap इधर है और इस वाले surface का r cap इधर है, तो इसको minus r cap लिख लूं. surface पे जो perpendicular draw करोगे, बोलो भाई. तो sigma bound a कितना होगा? बाउंड चार्ज है, सिग्मा बाउंड. ए कितना होगा बताओ? पी डॉट, बोलो भाई, माइनस आर कैप. सो इट विल बी माइनस के बाय ए स्क्वायर. Is it okay? तो अंदर वाले पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा अंदर वाले सरफेस पे, और बाहर वाले सरफेस पे सिग्मा बी बाउंड के बाय आर स्क्वायर आर कैप डॉट आर. सो इट विल बी के बाय बी स्क्वायर. ये बाहर वाले पे डेवलप हो जाएगा. इज इट ओके? सो व्हाट इज ए ऑप्शन करेक्ट है? नो. अच्छा, ये सबको समझ आया कि कैसे अंदर वाले पे नेगेटिव डेवलप हुआ और बाहर वाले पे पॉजिटिव? बोलिए. और अगर ध्यान से देखो तो पोलराइजेशन आर कैप डायरेक्शन में है, तो पोलराइजेशन अगर इधर है तो ऑब्वियसली इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, करेक्ट? तो वैसे भी देख सकते हो द सरफेस. तो ए गलत हो गया, ए इज रॉन्ग. द सरफेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इज जीरो ऑन बोथ. बी भी गलत हो गया बिकॉज सरफेस डेंसिटी तो आ रही है. सी वाला करेक्ट है, माइनस के बाई ए स्क्वायर एंड के बाई बी स्क्वायर एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? रो बी
it is minus del dot p. एंड देखो अब यहाँ पे तुम्हें स्फेरिकल पोलर का डेल डॉट पता होना चाहिए, यस और नो? अगर स्फेरिकल का डेल डॉट नहीं पता है तो यू विल नॉट बी एबल टू डू इट. तो लेट अस डू दिस. इट इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट, सो इट इज वन बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर, आर स्क्वायर इन टू के बाई आर स्क्वायर, करेक्ट? Yes, so, ये कैंसिल हो गया और जब इसका डेरिवेटिव करोगे तो आंसर विल बी जीरो. सो देयर इज नो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि हर कोऑर्डिनेट सिस्टम का डेल क्रॉस डेल डॉट लैप्लाशियन ये याद होगा तभी तो आप कर सकते हो ना, करेक्ट? तो सी सही ऑप्शन है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट में सी सही हो गया. अब डी बताओ. द सर्फेस डेंसिटी ऑफ बाउंड चार्जेस इज जीरो, तो डी गलत हो गया. डी गलत हो गया. अब देखो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? क्लियर है ना? ओके. A cube made up of a dielectric material has polarization, constant polarization. Kaisa polarization hai? Constant. P is equal to how much? 3 I cap plus 4 J cap. Is type ka polarization hai. The edges of the cube are parallel to the Cartesian axis. I mean this type of cube. This is the cube and the edges are parallel to the Cartesian axis. Means I can draw Cartesian axis like this, x, y and z. Okay? Which of the following statement? The cube carries the volume bound charges. Volume charge hoga bhai? Yeah, del dot P. So P agar constant hai, to iska divergence hamesha zero hoga. Kyunki derivative loge zero aa jayega. There is a charge of magnitude 3 units on both the surfaces parallel to YZ plane. Parallel to YZ plane. मतलब ये वाला सरफेस ना, ये और ये सामने वाला, करेक्ट? तो इस वाले सरफेस का यूनिट वेक्टर कितना होगा एरिया वाला, बता सकता है कोई? माइनस आई कैप. और इस सामने वाले का यूनिट वेक्टर आई कैप. कैसे जे कैप? अरे ये जो सामने फेस दिख रहा है इस फेस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस नहीं है? तो व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी बताओ? सिग्मा बी. इधर सामने वाले पे कितना होगा? P डॉट आई कैप करोगे तो 3 हो जाएगा और उधर जब करोगे तो माइनस 3 हो जाएगा. तो देर इज अ चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स ऑन बोथ सर्फेसेस. B तो सही हो गया है. B सही हो गया. A क्या हो गया? A रॉन्ग हो गया. There is a charge of magnitude 4 unit on both surfaces parallel to xz. Parallel to xz means this. और इसका unit vector क्या है बताओ? J cap और minus J cap. तो यहाँ पे कितना charge आ जाएगा? 4 और यहाँ पे minus 4.
सी सही हुआ या नहीं? एंड देर इज अ नेट नॉन जीरो इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द क्यूब. नेट चार्ज कितना होगा? क्या नेट नॉन जीरो चार्ज होगा? बोलो भाई. 4 माइनस 4, 3 माइनस 3, तो टोटल कितना है? जीरो. समझ आ गया सबको? कोई डाउट है तो पूछ लो. इस टाइप का क्वेश्चन अपीयर हो सकता है. बस पी ही कुछ दूसरा दे सकते हैं, बाकी तो आप कर ही सकते हो. ओके. कंसिडर ए स्फेरिकल डाइलेक्ट्रिक मटीरियल ऑफ रेडियस ए सेंटर्ड एट ओरिजिन इफ द पोलराइजेशन वेक्टर इज दिस, वेयर पी नॉट इज अ कॉन्स्टेंट ऑफ एप्रोप्रिएट डायमेंशन. मतलब पी नॉट का डायमेंशन ऑब्वियसली पी के बराबर ही होगा. अब बताना है कि क्या होगा. तो देखो यहाँ पे क्या है कि दे आर प्लेइंग विथ कोऑर्डिनेट सिस्टम. ये मान लो तुम्हारा स्फेयर है एंड ये है एक्स वाई और जेड, और पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में है? एक्स डायरेक्शन में. कितना है पी नॉट? एक्स का. यस और नो? तो ये बताओ कि x कैप को अगर मैं ब्रेक करूं यूनिट वेक्टर r कैप, थीटा कैप और फाई कैप में, तो कोई बता सकता है x इज इक्वल टू क्या होता है? r साइन थीटा कॉस फाई. तो x का r कैप डायरेक्शन में कितना वेक्टर होगा? किसी को याद है या नहीं? साइन थीटा कॉस फाई आर कैप प्लस थीटा डायरेक्शन में कॉस थीटा कॉस फाई थीटा कैप प्लस जेड डायरेक्शन में माइनस साइन थीटा साइन फाई सॉरी फाई कैप. ये देखो आपको मैंने लिखवाया हुआ या नहीं? Yes, sir. चेक करो पहले, ऐसे मत बोलो. वहां पे जाओ जहां लिखा हुआ है ये. बोलो, चेक किया या नहीं? मैंने आपको लिखने का तरीका भी बताया था. आर वाले में आर के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, जो बचा लिख दिया. थीटा वाले में थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया और फाई वाले में फाई के रेस्पेक्ट में. बताया था ना? हाँ सर. तो अब देखो जरा, पहला क्वेश्चन है द बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज जीरो. तो बाउंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे निकालेंगे? रो बाउंड इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट पी. और निकालो जरा माइनस डेल डॉट पी. ये है यूनिफॉर्म, तो आंसर क्या आएगा?
जीरो, बिकॉज पी डॉट, पी नॉट कैसा है, कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म में देर इज नो रो बाउंड. और इसका यूनिट वेक्टर किधर होगा, आर कैप. तो जब सिग्मा निकालोगे तो इट इज इक्वल टू पी डॉट आर कैप, यस और नो? बिकॉज इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. तो जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये वाले जीरो हो जाएंगे, थीटा कैप और फाई कैप वाले क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे. सिर्फ आर कैप वाला बचेगा तो कितना हो जाएगा, पी नॉट, बोलो भाई, एक्स कैप की जगह ये पुट करोगे तो कितना बचेगा, पी नॉट साइन थीटा कॉस फाई, ये सिग्मा हो जाएगा. तो पहला था द वॉल्यूम, पहला ए सही है या नहीं, ए सही है. दूसरा है द बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी जीरो एट जीरो कॉमा जीरो कॉमा ए. जीरो कॉमा जीरो कॉमा ए कहाँ आएगा, यहां पे, सॉरी जीरो कॉमा जीरो कॉमा ए यहां पे आएगा. जीरो कॉमा जीरो कॉमा ए, अब वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताओ, जीरो जीरो. तो थीटा जीरो होते ही सिग्मा कितना हो जाएगा, जीरो. तो बी भी सही हो गया, बी इज ऑल्सो करेक्ट. द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक, ये बताओ जरा. इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, गॉस थ्योरम से इंटीग्रेशन, तो अगर मैं टोटल चार्ज देखूंगा सिग्मा तो वो कितना आएगा, C is the electric field is zero inside the dielectric. तो क्या dielectric के अंदर electric field zero होगी? एक net dipole moment ऐसा है, net dipole along the x axis है, तो electric field ऐसी ही होगी ना, dipole की x axis से निकल के आएगी और minus x axis से enter करेगी, और inside उल्टी होगी, बनाया है ना अपने डाइलेक्ट्रिक स्फेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दिखेगी और यहां पे भी ऐसी दिखेगी और यहां पे ऐसी दिखेगी. यस और नो? बिकॉज ये इसको एक डाइपोल की तरह सोच सकते हो, डाइपोल टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, करेक्ट? द साइन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी चेंजेस ओवर द सरफेस, साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, जब साइन थीटा और कॉस थीटा इन्वॉल्व हैं तो अलग अलग क्वाड्रेंट में जब देखोगे तो ऑब्वियसली साइन चेंज होगा ना. तो डी इज ऑल्सो करेक्ट. तो सी इज रॉन्ग एंड डी इज करेक्ट. ठीक है, अब अ डाइलेक्ट्रिक स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैज अ कॉन्स्टेंट पोलराइजेशन दिस सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज दिस. So inside electric field given, it is like this. Polarization is in this direction. P naught z cap. और मैंने आपसे बताया था, अभी अभी बताया है कि यहां electric field ऐसे enter होती हुई दिखेगी, right?
लेकिन अंदर कैसी होगी? अपोजिट। ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर। और बाहर कैसी दिखेगी? तो देखो, इनसाइड माइनस दैट कैप के डायरेक्शन में। यस और नो? यस सर। तो अब आपको बताना है बाउंड चार्जेस, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज पी नॉट कॉस थीटा। तो बाउंड चार्जेस निकालो, कितना होगा? बताओ भाई। अगर मैं किसी यहां पे देखूं तो ये यूनिट वेक्टर कितना होगा? आर कैप। तो व्हाट इज बाउंड चार्ज इज इक्वल टू, बताओ, पी 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 डॉट आर कैप, विच इज पी आर एंड कॉस ऑफ थीटा। डॉट तो सिग्मा बी विल बी इक्वल टू, आई मीन इट इज पी नॉट गिवेन ना, एयर। पी नॉट कॉस थीटा हो जाएगा। इज इट करेक्ट और नॉट? यस सर, करेक्ट। सो ए इज करेक्ट। यस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर ऑन द जेड एक्सिस वेरीज एट आर स्क्वायर। तो डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है? ऑन द जेड एक्सिस व्हेन आर इज मच मच ग्रेटर देन आर। बताओ भाई, कोई डाइपोल रखा हुआ है और जब तुम दूर चले गए तो इट इज लाइक डाइपोल, डाइपोल है एक, उसकी वजह से इस एक्सिस पर यहां पर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, यानी फॉर्मूला बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला। कल किसी ने बोला था ना, E इज इक्वल टू, बोलो भाई, P बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर क्यूब एंड देन टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा आर प्लस साइन। थीटा क्या है? तो जब तुम यहां पे हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या है? जीरो है। तो कितना आ जाएगा? 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल When you are very very far, when R is much much greater than R, ठीक है? ओके।
And what is the third point? The electric potential at a distance 2r. देखो भाई, on the z axis. What is electric field आ गई? What is electric potential of a dipole? किसी को याद है? P cos theta upon 4 pi epsilon naught r square. Yes sir. So it will become P naught by 4 pi epsilon naught. R कितना given है? 2 r. तो दिस इज P नॉट एंड 2R कितना हो जाएगा? 4R स्क्वायर. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 2R ऑन द जेड एक्सिस. सो 2R मीन्स R इज इक्वल टू 2 × 4. एक सेकेंड, मैंने डाइपोल मोमेंट लिखा हुआ है यहाँ पे. दिस इज पी नॉट द डाइपोल मोमेंट. इट इज नॉट पोलराइजेशन. ठीक है, सो पोलराइजेशन की वजह से पोटेंशियल लिखना है हमें. तो कन्वर्ट कर लेते हैं. पोलराइजेशन क्या होता है? डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही तो होता है. यस सर. तो कन्वर्ट कर लो. बताओ कन्वर्ट करके. पी नॉट की जगह रख दो कितना? P नॉट की जगह P नॉट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4R स्क्वायर. करेक्ट. तो 4 पाई कैंसिल R स्क्वायर R. सो इट इज P नॉट R बाय 12 epsilon naught. So this is also correct. C. तो कौन कौन सा सही हो गया 29th का? ऑप्शन ए सही हो गया और सी और डी. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो. और देखो, इस चीज से क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि सबको ये क्लियर होना चाहिए. देख लो, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये टॉपिक सब लोग अच्छे से पढ़ लेंगे. मैंने पढ़ाया भी हुआ है, बट ये मेरी वाली ग्रिफिथ में पेज नंबर 186 पे है. और देखो मिल गया. मिल गया सबको? यस सर. ये सब सब लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे. ठीक है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ डाइइलेक्ट्रिक है और उससे एसोसिएटेड सारी चीजें हैं इसमें. ओके, आगे बढ़े. यस सर.
And please don't get confused between polarization and dipole moment. Okay? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. इसमें देखो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट? इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज 10 सेंटीमीटर एंड टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ थिकनेस 5 सेंटीमीटर ईच एंड अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली आर इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स. अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर as shown in the figure. The true value of net bound charges, the value of net bound surface charge density at the interface of the two dielectric. मतलब कि ऐसे बना हुआ है और ये इंटरफेस है. इस इंटरफेस पे मुझे बताना है कि द वैल्यू ऑफ नेट बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी. और यहाँ पे पोटेंशियल लगा हुआ है कितना, 100 वोल्ट, और यहाँ पे 0 वोल्ट. यही तो है. इसका एप्सिलॉन आर 2 है और इसका एप्सिलॉन आर 4 है. इट इज गिवन. अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल. सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज लाइक दिस, करेक्ट? बोलो भाई. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? अब अगर मैं ये जो कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये कैपेसिटर की प्लेट पे अगर मैं चार्ज डेंसिटी मान लूं, बिकॉज ये कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, तो इस पे इक्वल और अपोजिट चार्ज डेवलप होगा कि नहीं होगा? तो अगर मैं यहाँ पे चार्ज को सिग्मा 1 ले लेता हूँ, तो यहाँ वाला चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस सिग्मा 1? और फिर जितने इंटरफेस आएंगे हर जगह चार्ज डेवलप होता जाएगा, राइट? तो पहले 3 नोटेशन यूज करना है. तो पहले इसको सिग्मा और इसको माइनस सिग्मा ले लेता हूं. फिर यहां वाला जो इंटरफेस आया इस पे सिग्मा 1 और यहां वाले इंटरफेस पे इस पे माइनस सिग्मा 1 और यहां पे प्लस सिग्मा 1 ले लेता हूं. अपोजिट करते चले जाओ और यहां पे माइनस है, तो यहां क्या होगा इस वाले इंटरफेस पे? प्लस सिग्मा 2 और यहां पे माइनस सिग्मा 2 करते चले जाओ. तो बेसिकली तुम्हें सिग्मा निकालना है, मतलब इस इंटरफेस पे है चार्ज सिग्मा 1 प्लस माइनस सिग्मा 2, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है. ओके? और सिग्मा से शुरुआत करेंगे, बाकी सबको लिखते चले जाएंगे. अब पहले देख लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं? अब जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो दो पार्ट में हो रहा है, तो V इज इक्वल टू लिखो V1 प्लस V2,
तो 100 इज इक्वल टू, पहले पार्ट में पोटेंशियल ड्रॉप है कितना, V इज इक्वल टू ई डी होता है, V इज इक्वल टू कितना होता है ई डी, और E है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर 4, और इनटू D कितना है D है 5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2 प्लस दूसरे वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर विच इज 2 इंटू 5 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां से निकाल लो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा, कैलकुलेशन करना. फोर इंटू 10 रेस टू द पावर 4 अपॉन 15. ठीक है, देखो भाई आ रहा है, यस सर, कैलकुलेट किया, यस सर, हैं अब सिग्मा की वैल्यू कितनी हो गई, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 बाई 15 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो अब मुझे सिग्मा 1 और सिग्मा 2 चाहिए, तो वो कैसे निकाला जाए, P इज इक्वल टू क्या होता है, पोलराइजेशन इज इक्वल टू, मान लो मैं पहले रीजन में देखता हूं पोलराइजेशन, तो P इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन आर E1, नहीं एप्सिलॉन नॉट काई होता है ना, हाँ सर काई E1, एप्सिलॉन नॉट काई और E ये होता है, हाँ सर,
और काई और एप्साइलन आर कैसे रिलेटेड होता है? हाँ, वन प्लस काई इज इक्वल टू एप्साइलन आर, तो काई इज इक्वल टू एप्साइलन आर माइनस वन, तो पी की जगह लिख सकते हैं एप्साइलन नॉट इंटू काई आर माइनस वन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट? यस सर। तो पहले ऊपर वाले में देखो तो पोलराइजेशन विल बी इक्वल टू एप्साइलन नॉट इंटू टू माइनस वन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा बाय टू एप्साइलन नॉट। यस, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय टू हो जाएगा पोलराइजेशन, और बाउंड चार्ज होता है इतना डॉट यूनिट वेक्टर, तो पी विल बी इक्वल टू सिग्मा बाय टू आ गया। तो अगर मैं इसको सिग्मा वन बोलता हूँ और इसको सिग्मा टू बोलता हूँ तो सिग्मा वन सिग्मा बाय टू के इक्वल आ गया, करेक्ट? और ऐसे ही तुम सिग्मा टू निकालो वो कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट फोर माइनस वन सिग्मा बाय फोर एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा थ्री बाई फोर इंटू सिग्मा? और साइन मैंने वहां नहीं लिया है, साइन यहां पे ले लेता हूं, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा टू सिग्मा बाई टू माइनस थ्री बाई फोर सिग्मा, तो ये आ जाएगा माइनस सिग्मा बाई फोर, माइनस सिग्मा बाई फोर, एंड सिग्मा ऑलरेडी यू नो, तो इट विल बी माइनस वन बाई फोर इंटू टेन टू द पावर फोर बाई फिफ्टीन एप्सिलॉन नॉट, फोर एंड फोर कैंसिल, तो इट इज टेन टू द पावर फोर आ रहा है ना? तो माइनस 10 इंटू 1000 सिग्मा नॉट अपॉन 15, तो 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, तो माइनस 2000 बाई 3 एप्सिलॉन, ये आ गया। अब इसमें बताओ जरा कि कोई भी अगर बात समझनी हो या कुछ भी, ये कोई बता सकता है कि मैंने पोलराइजेशन को ही कैसे सिग्मा वन लिख दिया? एनीवन? बताओ। Omjit, can you tell me?
Yes. Anybody? अरे भाई सरफेस चार्ज कैसे लिख रहे हैं? P डॉट n कैप. Yes or no? Yes, तो जब जब इस वाले के लिए सरफेस देखोगे तो इधर यूनिट वेक्टर आएगा, और जब इस वाले के लिए सरफेस देखोगे तो ऊपर यूनिट वेक्टर आएगा. ओके तो दैट्स व्हाई वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ रहा है. ध्यान से समझ लो इस बात को, ये कोई ऐसा रट्टाफिकेशन नहीं है. यू कैन सी इट. ओके तो आगे बढ़े. यस सर. अब ये बाउंड्री कंडीशन, एज्यूम दैट जेड इज इक्वल टू जीरो. अब देखो जरा, ये दो मीडियम दिए हुए हैं, जेड इज इक्वल टू जीरो से सेपरेटेड है. तो मान लो कि ये प्लेन है, जेड इज इक्वल टू जीरो. ओके और इधर का एप्सिलॉन आर जो है वो 5 है, और इधर का एप्सिलॉन आर जो है वो 4 है. इसको अबव मान लो, इसको बिलो मान लो. ओके ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. इट इज रिटन there is no free charge, so it is given that sigma free is equal to zero. There is no free charge on the interface. The electric field in the region z less, तो electric field का इधर का दिया हुआ है, sigma e1 is equal to 3 i cap minus 5 j cap plus 4 k cap. एंड ई टू इज क्वेश्चन मार्क. तो पहली बात तो आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है. होता है कि नहीं होता? तो जब प्लेन है जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन, तो इसके पैरेलल क्या होगा? जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन के पैरेलल क्या होगा? पैरेलल वो तो ये जेड इज इक्वल टू जीरो प्लेन है ना, तो जेड इज इक्वल टू जीरो मतलब एक्स वाई नहीं हुआ, इट इज एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई पैरेलल होगा कि नहीं होगा? यस सर. ठीक है. और परपेंडिकुलर क्या होगा? व्हाट विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन? जेड कैप. जेड कैप. तो सबसे पहला काम क्या करता हूं, मुझे पता है डी परपेंडिकुलर ए माइनस डी परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा फ्री. यस और नो? Yes, sir. तो ये जीरो है, तो परपेंडिकुलर मतलब 5 × 2 = 20. मान लो ये है इसका E1 i cap प्लस E2 j cap प्लस E3 k cap, ऐसा है मान लो. तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को जीरो करो डी के, तो डी होता है एप्साइलन. व्हाट इज डी इज इक्वल टू? डी इज इक्वल टू एप्साइलन ई. यस और नो? यस सर. डी इज इक्वल टू एप्साइलन ई.
सो ई है फोर, तो उधर का कितना हो जाएगा? बताओ भाई, 20 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? D1 क्या होगा? ऊपर वाले मीडियम का देखो, भाई दिस डी इज इक्वल टू व्हाट? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ना, यस तो 20 एप्सिलॉन नॉट माइनस इधर का बताओ, फोर इनटू ई 4 एप्सिलॉन नॉट E3 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लेना। ओ सॉरी, 4 5, तो 5 इज इक्वल टू E3। पहले ये समझो, और 3 और -5 तो वैसे ही नहीं चेंज होना था क्योंकि पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉन्टिन्यूअस। तो E2 की वैल्यू हो गई 3i कैप -5j कैप +5k कैप। देखो ऐसा कोई ऑप्शन यस सर। है? अब ये बाउंड्री कंडीशन जिसको समझ नहीं आ रही है वो पूछ लो। क्या मैं ये लगा सकता था, E परपेंडिकुलर ए माइनस ई परपेंडिकुलर बी इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? बताओ कोई। हाँ तो यहाँ के सिग्मा में सिग्मा फ्री प्लस सिग्मा बाउंड भी है, तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने डी यस वाला चुना, दैट्स व्हाई आई हैव सेलेक्टेड डी। तो ये बाउंड्री कंडीशन टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ सकता है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, इस वाले पार्ट के लिए मैं कुछ रिकमेंड करूंगा पढ़ने के लिए और फिर हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। ये कहाँ से आ गया? ये उसका क्वेश्चन इधर आ गया। मैग्नेटिक वाला भी करते हैं। ये वाला करना जरा, क्वेश्चन नंबर 40। बाउंड्री कंडीशन सबको क्लियर है ना? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 बताओ कैसे करें। वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड दिस फ्रॉम अ पॉइंट
दिस टू दिस कैसे निकाला जाता है वर्क डन? इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोफाइल गिवन है, एंड व्हाट आर द पॉइंट्स? इट इज 10 कॉमा पाई बाई 6, मतलब कितना हुआ? 30 डिग्री. यस सर. तो ये 30 डिग्री है यहां से, और पाई बाई 2 मतलब यहां ना, तो दिस इज 10 कॉमा पाई बाई 6 से यहां मूव कराना है 10 कॉमा पाई बाई 2, और यहां मूव कराने में कितना वर्क डन होगा कैसे निकालें? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बताओ भाई कोई? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. यस और नो? यस सर. जैसे मान लो कोई पॉइंट चार्ज होता है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं कि भाई इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वही तो लिखते हैं. यस सर. तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल को जीरो ले लेते हैं और यहां पे पोटेंशियल को वी ले लेते हैं, तो वी माइनस वी इन्फिनिटी इंटू क्यू क्या हो जाता है? वर्क डन हो जाता है. राइट? यस सर. तो इस केस में हम कहां से कहां ले गए हैं? यहां से यहां ले गए. तो अगर मैं इसको वी वन कह दूं और इसको वी टू कह दूं, तो वी वन माइनस वी टू इंटू क्यू ये करना है. तो बस बेसिकली दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल्स बता दो, पोटेंशियल कैसे निकाला जाए. इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, तो पोटेंशियल वी वन माइनस वी टू इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल कितना होता है? आर टू आर वन एंड ई डॉट डी आर. ई डॉट डी आर बस ये करो जल्दी से. व्हाट इज डी आर इज इक्वल टू? तो डॉट प्रोडक्ट लो जरा. So it is minus integral e कितना given है? 8 r sine theta r cap plus 4 r cos theta theta cap into dot product dr r cap plus r d theta theta cap. So basically
ये डीएल की वैल्यू हो गई, जो स्मॉल लेंथ चल रहे हैं ना उसकी वैल्यू हो गई। ओके अब लो जरा डॉट प्रोडक्ट देखो क्या आता है। सॉल्व कर लिया? कैसे किया? माइनस इंटीग्रल, ये जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या बनेगा? 8 r sin theta dr plus 4 r cos theta 4 r square ना 4 r square 4 r और 4 r 4 r square d theta cos theta भी है 4 r square cos theta and d theta ये बन गया। अब बताओ जरा कैसे किया सॉबिक? हाँ बताइए भाई। सर आर फिक्स है तो डीआर वाला जीरो होगा, थीटा साइन थीटा वाला कोई रुचि आएगा? एट आर वाले में ही तो डीआर आ रहा है, तो कितना बच गया? 4 आर स्क्वायर कॉस थीटा माइनस इंटीग्रल 4 आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, और इंटीग्रेट होके कितना आ गया? माइनस 4 आर स्क्वायर साइन कॉस थीटा का साइन थीटा, और थीटा कितना है? 5/6 कितना गिवन है थीटा? 5/6 से 5/2 मिला है, 5/6 से 5/2, तो 5/6 2π/2 और r कितना है? 10। यस तो -400 इनटू 1 माइनस 1/2 2 2 4 ना? यस सर। -200 यूनिट यूनिट क्या थी ये भी देख लो, माइक्रो कूलम थी। और मिली जूल, ये तो बीबल मैन के तो बहुत क्यों भी तो रखे नहीं, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अच्छा ये बात देखना कि मैंने क्या R2 माइनस V1 माइनस V2 निकालना था ना? यस। तो मैंने लिमिट सही रखी है? हाँ सही रखी है। तो कितना आ रहा है आंसर?
वन मिली जूल, वन मिली जूल। नेगेटिव आ रहा है ना? यस सर, माइनस वन। नहीं तो पॉजिटिव आ रहा है, चार्ज माइनस एट। अच्छा हाँ राइट, चार्ज कितना है? माइनस फाइव है ना, चार्ज इज माइनस फाइव, तो इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कैलकुलेशन देख लो भाई, एकदम 100% श्योर हो जाओ, उसमें बस साइन की ही गलती होती है। वन मिली जूल, सौविक तुम कैसे बता रहे थे भाई? कहाँ से आ रहा है ये तो बता दो भाई। ऑनेस्टी अगर छोड़ दिए तो गए, समझ रहे हो? उतार रहे हो देख देख के, तो बता दो कहाँ से आ गया। एक्चुअली ये बात समझना कि ये ई डॉट डी एल है, समझ रहे हो कि नहीं? स्मॉल लेंथ है ये जो तुम लिखा, ये जो तुमने लिखा है वो स्मॉल लेंथ के बदले लिखा है। रेडियल है कि नहीं है वो अलग की बात है। जब तुम सरफेस पे चलोगे तो तुम्हारा एंगल भी बदल सकता है और रेडियस भी बदल सकता है, बट इस केस में रेडियस नहीं बदल रहा है। ये करना 43, ये 42 मॉडर्न फिजिक्स में है। अभी अतुल सर ने वीडियो भी इसका बनाया था, सिंपल क्वेश्चन है, देख लेना एक बार, ठीक है? फोर्टी थ्री बताओ। अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज हेल्ड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी, तो इस तरीके का एक मेटेलिक स्फीयर है, इसका रेडियस आर है और इसका पोटेंशियल वी है। इट इज इनक्लोज्ड इन अ कॉन्सेंट्रिक थिन मेटेलिक शेल ऑफ रेडियस टू आर, ये एक शेल के अंदर है, इसका रेडियस टू आर है और इसका पोटेंशियल 2V है। इफ द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 3/2R फ्रॉम द सेंटर, सो 3/2R मतलब 1.5 ना, 1.5 पे पोटेंशियल V1 है मान लो, और यही V1 हमें निकालना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया सबको? तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और देखो इस टाइप के कई बार, कल मैंने आपको बताया भी था। तो द पोटेंशियल इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल समेशन एल इज इक्वल टू 0 to infinity ए एल आर टू द पावर एल प्लस बी एल बाय आर टू द पावर एल प्लस 1 इनटू पी एल कॉस थीटा, यस और नो? अब इसमें थीटा पे कोई डिपेंडेंस है? पी जीरो कॉस थीटा कितना होता है? 1। थीटा पे कोई डिपेंडेंस तो है नहीं, तो यानी जो पोटेंशियल वी वन होगा इट विल ओनली डिपेंड ऑन ए जीरो आर टू द पावर जीरो प्लस B0 अपॉन R टू द पावर 1, ये बात को समझना है। और अच्छा क्वेश्चन बनाना होता तो थीटा पे भी डिपेंडेंस दे देता। ओके, सबको समझ आ रहा है? तो पहली बाउंड्री कंडीशन लगाओ जब तुम्हारा पोटेंशियल क्या बन जाए, ये जनरल हो गया,
अब मुझे आर पता है मुझे कहाँ निकालना है, मैं जनरल निकाल रहा हूँ इस रीजन में, इस रीजन में जनरल पोटेंशियल निकाल रहा हूँ, एंड आई विल सब्स्टिट्यूट आर इज इक्वल टू 1.5 आर। सो पहले पोटेंशियल है वी ए नॉट प्लस बी नॉट अपॉन, डिस्टेंस कितनी है पहले केस में आर, आर दूसरे केस में 2v है ए नॉट प्लस बी नॉट बाय 2r। तो देख लो इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो v इज इक्वल टू बी नॉट बाय आर 1/2 - 1 विच इज माइनस बी नॉट बाय 2r। तो बी नॉट इज -2 rv, यस और नो? इज इट ओके? तो जब भी बाउंड्रीज पे पोटेंशियल दिया हो और उसके बीच के रीजन में पोटेंशियल पूछा हो तो लैपलास इक्वेशन इज द बेस्ट वे टू डू इट। अब बताओ जरा ए नॉट निकाल लो, तो वी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बी नॉट की जगह -2 rv/r, आर से आर कैंसिल, सो ए नॉट कितना आ गया बताओ? 3 वोल्ट। 3 वोल्ट, 3v, वोल्ट नहीं 3v। ओह यस सर। अब ए नॉट बी नॉट पता चल गया तो मुझे पोटेंशियल की जनरल प्रोफाइल पता चल गई, यानी किसी भी आर दूरी पे पोटेंशियल की वैल्यू पता चल गई, और वो कितनी है? वी इज इक्वल टू 3v प्लस माइनस 2 rv/r। ये जनरल प्रोफाइल पता चल गई है कि नहीं? अब तुम्हारा आर कितना है? तुम्हें कहाँ चाहिए? 2 rv/3/2 r तुम्हें यहां चाहिए, बस निकाल लो कितनी है वैल्यू, देख लो 3 - 4/3 v, 3 × 3 = 9, 5/3 v इज द आंसर। देखो कितना अच्छा मेथड है, मैंने कई बार बता दिया आपको। हाँ सर, अपने क्लास में रहा था वाला क्वेश्चन। हाँ तो ऐसा कोई भी और थोड़ा एडवांस भी कर सकते हो, अगर बाउंड्री कंडीशन पे कॉस थीटा दिया हुआ है तो एक और अगला टर्म लेना पड़ेगा। तो तुम्हें बस इतना ही बहुत है कि तुम लीजेंड्रे पॉलिनोमियल के दो टर्म जानो, एक पी नॉट और ज्यादा से ज्यादा P1 cos थीटा, अगर थीटा पे डिपेंडेंस आ रहा है विच इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ओके यहां तक देखो क्लियर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? यस सर। और एक चीज मैं बता रहा हूं, लास्ट टाइम में ये नहीं कि आप सपोज आपने डिसाइड किया कि भाई आज के दिन आप 40 क्वेश्चन करोगे तो उसको ईमानदारी से पूरा पूरा करो। कोई भी चीज ऐसी सोच रहे हो अगर आप कि ये ऐसे ही हो जाता है, इसको ऐसे ही लिख दे, तो वो एग्जाम में बिल्कुल काम नहीं आने वाला। ओके यस सर। ओके फिर मैं
10 मिनट्स में शुरू करता हूँ मैग्नेटो, ठीक है? यस सर। ओके ओके सर।